छात्रा से दरिंदगी मामले में 5 गिरफ्तार। छात्रा को निवस्त कर बेरहमी से दरिंदों ने की थी मारपीट। प्रेमी युगल के साथ दरिंदों ने की थी मारपीट। दरिंदों ने छात्रा को निवस्त्र कर बनाया था अश्लील वीडियो। पुलिस ने 5 अभियुक्तों पर दर्ज किया मुकदमा। 5 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सदर कोतवाली इलाके के सिटी फॉरेस्ट का मामला। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि दिनांक 18 अगस्त को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें यहां पर एक सिटी फॉरेस्ट एरिया में एक वयस्क लड़का और लड़की मौजूद थे और गांव के आसपास के पड़ोस के व्यक्तियों द्वारा वहां पर पहुंचकर उनके साथ मारपीट की गई, अमर्यादित व्यवहार किया गया और उनका वीडियो बनाया गया, साथ ही पैसे की भी मांग की गई। उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए और इस महिला संबंधी अपराध की गंभीरता को देखते हुए थाना कोतवाली सदर पर तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया और इस मुकदमे में इस वीडियो के आधार पर 5 लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको गिरफ्तार किया गया और इन सभी 5 व्यक्तियों को न्यायिक अभिरक्षा हेतु भेजा जा रहा है। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि हमीरपुर पुलिस द्वारा महिला संबंधी अपराधों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और जो भी व्यक्ति महिला संबंधी अपराध में लिप्त होंगे उनके खिलाफ कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और ये मैं ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को या इस प्रकार के किसी भी वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर ना करें, क्योंकि ये भी कानूनी रूप से असंवैधानिक है। और साथ में हिरासत में जो व्यक्ति लिए गए हैं उनके नाम हैं कन्हैया पुत्र राजेश शर्मा, अरविंद निषाद पुत्र मनीराम और प्रीतम कश्यप पुत्र मुन्नालाल, साथ ही 2 बाल अपचारी भी अरेस्ट किए गए हैं। सर, अभी तक की कार्रवाई पूरी वीडियो फुटेज के आधार पर है, क्योंकि महिला अपराध और न्यायालय भी जो पीड़िता है उसके बयान को सर्वोपरि मानता है, तो पीड़िता की बरामदगी की क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि आगे विवेचना में पीड़िता का बयान से भी बल मिले। इस वीडियो के आधार पर हमने युवक और युवती को चिन्हित करने का प्रयास किया है और वो प्रयास अभी भी जारी है और शीघ्र ही हम उनको भी चिन्हित कर लेंगे और महिला के बयान कराकर उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभी तक जो भी साक्ष्य प्रकाश में आए हैं उनमें गैंगरेप या रेप जैसी कोई भी घटना नहीं है। इसमें उस महिला के साथ अमर्यादित व्यवहार किया गया है, जिसमें धारा 354B में अपराध पंजीकृत किया गया है और महिला के बयान के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर से अपडेट मीडिया के लिए शीलू कुमार की रिपोर्ट। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।